और ये रहा हमारा लोरे साड़ी का पॉकेट लुक, बहुत ही सुंदर लगती है साड़ी। और इस तरह से मैंने लिया है थोड़ा सा गेटअप इसमें चेंजमेंट, तो ये रहा। और आज गणेश चतुर्थी की वजह से मैं सज सज के हो गई हूँ तैयार, और घर में चल रहा है मेरे थोड़ा बहुत काम, क्योंकि वाइट वॉश वगैरह तो ऑब्वियस बनती है क्योंकि गणेश भी आ गए हैं हमारे घर में। तो चलिए करते हैं इसी तरह की वीडियोज़ को इंजॉय। तो हो गए हैं हमारे घर पे गणपति जी का वैर से सजाए हैं मैंने अपने गणपति महाराज जी। अब जलाऊंगी मैं पूजा जोत करूंगी उनकी। तो चलिए करते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। हार वगैरह पहना के इनकी कपड़े वगैरह इस तरह से इनका श्रृंगार किया है। और उसके बाद ये दूध पी नहीं, बड़ा बेटा जाएगा स्कूल और वही लेके चला जाएगा। से जल दूध फिनिश कर। करते हैं गणेश चतुर्थी की तैयारी और फिर दिखाऊंगी आपको किस तरह से विराजमान होंगे आज ये हमारे इस झूला पे। और मेरी मंदिर की तैयारी अभी देखिए ऐसी है, और उसके बाद जब तैयार हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी कि गणेश जी कैसे स्थापित हुआ, किस तरह से मैं सुंदर सुंदर इन्हें सजा के रख दूंगी इस पे। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जीवन में गणेश भगवान इसी तरह से सुख शांति लाएं जैसे कि मेरे जीवन में उन्होंने बनाई हुई है। अगर मैं किसी का लेना नहीं तो देना भी नहीं, तो इसलिए सुपूर्ण शांति मेरी लाइफ में हमेशा इसी तरह से बनी रहती है। तो तुलसियों का व्यू देते हुए मैं आ गई हूँ छत पर, और जैसा कि आप मेरी सारी साड़ियों को काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उसी तरह से मैं इसी खुशी को आप सबसे हमेशा शेयर करती रहती हूँ। किसी भी तरह से जो भी मुझे कुछ कहना होता है मैं बेझिझक, अपनी फैमिली रहती है मेरी इस चैनल पर मेरे, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लगातार वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर तरह से मेरी। वो बोलते हैं कि मतलब अच्छे से अपनी ज़िंदगी में हमेशा बिजी रहना चाहिए, हम किसी से कोई टेंशन फ्री होके हमेशा अपने जो हमारा काम होता है उसे करते हैं, फिर उन्हें भी कोई प्रॉब्लम इसी वजह से नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब आज की लाइफ ऐसी नहीं है कि हम दूसरों के बारे में हमेशा ज़िंदगी भर सोचते रहें और अपने बारे में किसी तरह से ना कर पाएँ। तो कम से कम मैं सुपूर्ण शांति से इस तरह से तो हूँ कि मैंने जो भी किया है अपनी लाइफ में वो किया है, किसी को परेशान नहीं किया है, किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया है। तो उस सब चीज़ों से मैं करते हुए अब मैं आई थी छत पे, टंकी देखने के लिए आई थी कि टंकियाँ भरी है नहीं भरी है। और आज गणेश चतुर्थी के दिन मैंने डाला है
येलो कलर का आउटफिट और सिल्क कलर की साड़ी है मेरी पिंक कलर की, जिसका व्यूज़ मैं आज की वीडियो में दूंगी। और मेरी रेगुलर वीडियो रहती है, मेरी रूटीन लाइफ रहती है, आप सबको मेरी रूटीन लाइफ बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो डालूंगी। आज शायद मैं लाइव भी आऊँगी, वो भी आप देखते रहिए, जिस जिसको मतलब मेरी वीडियोज़ का वेट होता है और जो तहे दिल से मेरी वीडियो रेस्पेक्टेडली देखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, बाय। तो गणेश चतुर्थी के दिन मैंने लिया है ये गोल्ड के, देखे कितने प्यारे सुई धागे हैं। रेगुलर डेली यूजिंग के लिए कुछ ना कुछ कान में मुझे पहनने होते हैं, तो वही मेरी एक्सप्रेशन थी, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। मॉर्निंग एवरीवन, एक नई शुरुआत के साथ, कितनी फ्रेश फ्रेश सी शुरुआत। और ये रहा मेरा लिविंग एरिया, काफ़ी अच्छा, क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो चुकी है और हम सब कर चुके हैं महादेव की पूजा। ये रहा मेरा महादेव परिवार और ये शिवशंकर और ये भी, और आप देख सकते हैं हर हर महादेव, जय शिवशंकर। पूजा के साथ कर रहे हैं शुरुआत अपने घर की, आप इसी तरह से सुख शांति के साथ। और अब करेंगे हम अपना लंच एंजॉय और अपनी चढ़ाएंगे चाय सुबह मॉर्निंग की। तो आप सबको पता है कि सुबह की शुरुआत मेरी क्या सबकी ही उसी से होती होगी, टी टाइम से। तो यहाँ हम भी कर देते हैं अपनी शुरुआत। तो मैं थोड़े से राइस बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं देख सकते हैं, मुझे राइस बहुत पसंद है। तो बस अब करते हैं, जो इसमें नहीं है पहले वो डाल लेते हैं, नमक नहीं है इसमें, ठीक है। तो नमक कर लिया, अब डालेंगे इसमें जीरा। और ये मैंने चटनी बना के रख रखी थी, वो बनानी चटनी, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है कच्चा प्याज पसंद है, तो उसके बाद कच्चा प्याज कर देंगे। चाय की गैस अभी ऑन, और डेली की डेली रोज रूटीन है मेरा कि मतलब मैं एक गिलास दूध जरूर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन की एनर्जी मेरे से ही रिलेटेड होके मेरे घर की जाती है। तो फिर सुबह सुबह मॉर्निंग को जिसको पॉसिबल हो सके हर लेडीज को एक दूध का गिलास जरूर पीना चाहिए, उसके बाद ही अपनी एनर्जी को यूज करें। और ये बनाई थी मैंने पूरियां और ये बनाई थी सब्जी, सुबह सूखी सब्जी। तो बस बच्चे लंच लेके जा चुके हैं और मैंने बना लिए हैं अपने लिए पीले राइस, क्योंकि फिर कोई नहीं खाता। तो बस क्लीनिंग वगैरह सारी चीजें मेरी हो चुकी है मेंटेन। किचन का व्यू आपने देखा ही था, पहले मैंने जो क्लीनिंग करी थी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ये मैंने लिए न्यू डिब्बे, इनमें करूंगी मैं नमकीन अरेंज। तो फिर चलिए, यमी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट के तैयार हमारी हो चुकी है विद मेरी गर्मा गर्म चाय के साथ। चलिए कर लेते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट टाइमिंग। बच्चे स्कूल चले गए हैं, सुबह मॉर्निंग में ये काम रहता है। और उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, माई फैमिली, माई भाभी, माई सिस्टर्स, इसी वजह से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है, वो जो मेरे रिलेशन वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं बहुत अच्छे अच्छे वाले, और YouTube जो आप सब मेरी फैमिली बन चुकी हैं, वो भी जो मेरे फैमिली में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट के साथ मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। इसी वजह से मेरा मोटिवेशन जो होता है ना, साड़ियों से रिलेटेड भी और साड़ी की ड्रैपिंग दिखाने से रिलेटेड, साड़ी ड्रैपिंग दिखाना ही मेरा मतलब जो चैनल है उसमें रिकमेंडेड ही हुई थी कि आप साड़ी बांध के दिखाइए। तो साड़ी बांधना हर किसी को नहीं आता, किसी किसी को इसी स्टाइल में मतलब वीडियोस पसंद होती है। तो फिर मैं इसी वजह से जो न्यू ड्रैपिंग करके आपको दिखाती हूँ ना, वो इसी वजह से दिखाती हूँ, जिस तरह की डिमांड होती है उसी तरह की वीडियोस क्लियर करी जाती हैं। और मेरी रूटीन लाइफ भी आपको दिखती होगी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे यहाँ का मतलब मेरे हस्बैंड, सभी का सपोर्ट है, तभी तो मैं आप सबके साथ हूँ। तो इसी अच्छी सी शुभकामनाएं के साथ और आपकी अच्छी अच्छी कमेंट्स के साथ करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं कौन सी साड़ी का आज ट्रैप डालूंगी। पहले मैं लाइव जरूर देती हूँ, क्योंकि लाइव
में सब देख लेते हैं कि मतलब ड्रैपिंग कौन सी वीडियो आने वाली है। हाय एवरीवन, तो ये होता है मेरे बच्चों के आने का टाइमिंग। तो ये आ गया पारा सेजल, क्योंकि आज है वेडनेसडे, तो आज है क्या हाउस ड्रेस। यस हाउस ड्रेस। कैसे हो रहा है? वाइट ड्रेस आज नहीं, अरे आता तो मुँह लाल होगा, धूप ही ना ज़्यादा, तो आज है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो बस चेंज कर देगा ये। इसका बड़ा भाई कब आएगा? साढ़े दो। साढ़े दो? साढ़े दो का मतलब है ढाई बजे। अब वो आएगा, फिर धीरे धीरे सब सब अपना अपना कुछ ना कुछ खाने का वो करेंगे। मैं लगाऊंगी अभी वॉशिंग मशीन, क्योंकि दो दिन के तो ब्लैक वाले इनकी ड्रेस धोने को आते हैं। अब चलिए करते हैं कंटिन्यू, अब करते हैं लंच तैयार। दही देखो, दही कितनी अच्छी जम रही है। सब्जी रोटी तैयार है लगभग, अब बनाएंगे इनका लंच। दूध मेरा गर्म हो चुका है, तो करेंगे कंटिन्यू अपने लंच को रेडी। शाम की चाय आ जाओ। हरी मिर्च कैसे थी? पंद्रह पाव सही लगाओ। और अदरक 30 का पाव लाल वाली 10 का पाव तो लेकिन दे रहा चलो चलो फोड़ी तुम सही तक जा। मेरा भी काम होगा, मैंने अपना फालतू चक्कर काटने पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये ब्लॉग है साड़ी का, वो मिलेगा आपको कल देखने के लिए। तो ये डाली थी मैंने कीटक से रिलेटेड साड़ी, और आज है गणेश चतुर्थी। तो वेलकम करते हैं पहले अपने गणेश जी का, स्वागत है आपका मेरी फैमिली में। और ये ब्लॉग आपको मिलेगा कल प्रॉपर तरीके से। दो टाइप की साड़ी बांधूंगी और बहुत ही सुंदर लुक के साथ करेंगे एंट्री। बनारसी साड़ी है, बहुत ही प्यारी है, डिज़ाइनर लुक है। तो वेलकम है आप सबका मेरी इसी साड़ी के ब्लॉग के साथ। और गणेश भगवान का जिस तरह से स्वागत किया है मैंने अपने घर में, तो आप सब भी इसी तरह से शायद पूजा वगैरह कर रहे होंगे। तो दो लुक की वीडियो आएगी, डिज़ाइनर लुक होगा, लाइव आपने देख ही चुके होंगे। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो ये है हमारी साड़ी, ठीक है। अब इस साड़ी को प्रॉपर तरीके से जैसे ड्रॉपिंग करते हैं उसी तरह से हॉल ऑफ द स्टाइल देख लेंगे। ये है एक लुक और ये है इसका दूसरा लुक। तो जिन जिनको मतलब इस तरह की साड़ी पसंद आती है वो देखते हैं इस तरह के लुक को। तो ये है हमारी की टक से रिलेटेड वीडियो। लोवर साड़ी का लुक डालती हूँ, पूरा पूरा का पूरा रूटीन लाइफ होती है उसमें। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर मेरी रूटीन लाइफ, और उसके बाद जो मेरे ड्रैपिंग वीडियो से रिलेटेड लवर होते हैं या मेरे सब्सक्राइबर होते हैं उन सब के लिए लाती हूँ सारी वीडियो। चलिए, और ये रहा हमारा लोवर साड़ी का ओपन लुक। बहुत ही सुंदर लुक थी साड़ी, और इस तरह से मैंने लिया है थोड़ा सा गेटअप इसमें चेंजमेंट। तो ये रहा, और आज गणेश चतुर्थी की वजह से मैं सज सज के हो गई हूँ तैयार। और घर में चल रहा है मेरा थोड़ा बहुत काम, क्योंकि वाइट वॉश वगैरह तो ऑब्वियस बनती बनती है, क्योंकि गणेश जी आ गए हमारे घर में। तो चलिए करते हैं इसी तरह की वीडियोज़ को एंजॉय।
तो जैसा कि मैंने आपको देखा था कि मतलब आपको मेरी बनारसी साड़ी का कीटक से रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसके मैंने ये जो लाइव वीडियो डाली थी उसमें ही आपका रिस्पांस देख लिया था। साड़ी बहुत ही बेहतरीन है, लुक इतना प्यारा है और इतना अच्छा बॉर्डर लुक के बाद जो कलर फेयर होके इसमें फील होता है। तो इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी आपके बीच में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी ऑल्सो अगेन एंड अगेन, थैंक यू। और चलिए बताइएगा कि मुझे, शायद मेरे पास ऑरेंज कलर भी है, तो मैं देखूँगी कि मुझे कौन सी साड़ी लानी है अगली वाली। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है